पहले तो चश्मा उतार दे, हम पहले ध्यान की दुनिया डुबकी लगा आनंद सागर में आना पड़ा ध्यान होगा। आरामदायक स्थिति ले ले, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, जगह ले ले, आरामदायक जगह बहुत जरूरी, ध्यान रखे आना पाना भी ध्यान ही है जिसमें हम दौर लगाते हैं, आंख बंद करना और हाथों को ऐसे क्रॉस करना, पाँव को ऐसे क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियां आपस में मिला करके गोदी में रखनी और उन्हें ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल कहीं कोई कसाव ना, कोई तनाव नहीं, कोई माथे पे सिलवटे नहीं, पालके पालके मार के भी बैठ सकते हैं, शरीर पूरा ढेला छोड़ रहे हैं। और जो
स्वाभाविक श्वास है, जो हर क्षण हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उन्हीं में खो जाए और उन्हीं के हो जाए। पूरा ध्यान हर एक श्वास आगे जाती महसूस करते, एक माला सी बना दी और लगातार पूरा ध्यान श्वासों के लिए ही है हमें अधूनी से जी भर जाए, मन कह दे मुझे कहीं बाहर नहीं पड़ा। शरीर पर नजर डाले, पांव देखे ढीले हैं, कोई गिरावट नहीं, घुटने जंघा कमर कमर का एरिया खुले रिलैक्स एकदम ढीला। कंधे भी ठीक, कोई विचार नहीं, अपने दोनों कंधे एकदम ठीक है, एकदम ठीक दोनों करते हैं। खास कर अपने माथे को महसूस करें, सिर पटे कोई टेंशन नहीं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट और मन खो जाए इन श्वासों में। प्यार करें, जी भर करें, इन श्वासों को निहार, आंखें बंद, नहीं तो 80% एनर्जी बाहर निकल जाएगी। और अगर हाथ खोलेंगे तो 10% बाहर, ऐसे पांव खोल दिए तो 10% वहां से भी बाहर। हमें ध्यान के लिए 100% एनर्जी चाहिए। जब हम तीनों लॉक लगा लेते हैं तब हमारी 100% एनर्जी शरीर में ही रहती है। जब हम विचार शून्य होने लगते हैं तब हमारे भीतर विश्व की ऊर्जा डिवाइन एनर्जी प्रवेश करती है, सर के माध्यम से
ब्रह्मरंध्र के माध्यम से। बहुत सुंदर ध्यान। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का आह्वान करते हैं, प्यारे बाबा जी महावतार उनके सभी शिष्य गणों को आमंत्रित करते हैं। स्वयं स्वयं के पूर्ण आत्मा के साथ एक हो जा रहे, जो जाए अपनी पुण्य आत्मा के साथ महसूस करें स्वयं की चेतना को एकाकार होते देखें, मच हो गए सभी देव चेतनाओं के साथ एक हुए। धरती माता प्रकृति माँ पशु जगत जंतु जगत जीव जगत खनिज जगत सबको बहुत प्रेम से आमंत्रित करें, सभी जगत के मास्टर्स को आमंत्रित करें, दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करें, आए ध्यान करें। स्वयं को आत्मजागृति परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ कनेक्ट कर ले। सामूहिक चेतना जो जाए अपना दायरा अपनी चेतना को विशाल होते देखें, ठीक है।
अपनी आत्मा को सबल कर ले। रास्ता है आत्मा को सबल करने का, ध्यान। शरीर का भोजन अन्न है, आत्मा का भोजन ध्यान है। पूरा ध्यान सांसों पर। ध्यान मन का रूपांतरण है। पूरी तरह से मन को बदल देता है। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र
और तंत्रिका तंत्र को शक्तिशाली बना देता है। जिससे आप और आपका शरीर दोनों सबल होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तन और मन दोनों एक्टिव रहते हैं। बीमारी दूर हो जाती है। ना, ना विचार का पीछा नहीं, हो जाए, मुझे नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, पूरा सरेंडर कर दे, पूरी तरह से समर्पण सांसों के प्रति। जितना ध्यान उतना आपका संयोजक तंत्र मजबूत होता है, कोई बीमार नहीं पड़ता। प्रतिदिन 2 घंटे का ध्यान हमारी आत्मा की खुराक है। स्वयं को जानने की एक सीढ़ी है ध्यान, सिर्फ ध्यान। महसूस करें फ्रेंड, इन श्वासों को
लगातार बिल्कुल सरेंडर, कोई वॉइस परेशान ना करे, अपने अंदर समा जाए। कोई आशा नहीं किसी से, कोई उम्मीद नहीं। खाली कर दे स्वयं को, मैं कुछ नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, कोई नाम नहीं हूं, कोई विचार नहीं हूं, आकार नहीं हूं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, कुछ भी नहीं। शून्य भी नहीं,
नित्य हो। मैं सदा हूँ, सर्वदा हूँ, मैं आनंद हूँ। आनंद शाश्वत। मैं अजन्मा हूँ। जन्म मरण से परे हूँ।
स्वयं का ही दर्शन करें। एक ही हो गया स्वयं को नमन शत शत नमन Two minutes left. ऋषि महावतार का हार्दिक आभार एटीट्यूड जी जंतु जगत खनिज जगत प्रकृति जगत धरती माता सभी मास्टर्स का हृदय से नमन आत्मिक वंदन और नमन आभार ध्यान वापस शरीर की तरफ मुड़ने का समय
चेतना वापस आए शरीर के प्रति। लास्ट 30 सेकेंड। आप सभी प्यारे ध्यानियों का, दिव्य आत्माओं का हृदय से आभार। आत्मवंदन। फाइव फोर थ्री टू वन शून्य। अलग करें हाथों के साफ करें और आपने आंखों पे तीनों नेत्रों को रख लें। पूरे चेहरे पे हाथों से स्पर्श करें और स्माइल के साथ आंखें खोलें। Thank you so much, Didi. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank you.